तो रियलमी ने क्यू सीरीज के अंदर दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं चाइना में, जिसमें एक रियलमी क्यू 5 है और एक रियलमी क्यू 5 प्रो है। ये दोनों स्मार्टफोन क्यू 5 आई के अंदर आते हैं, यानी कि रियलमी क्यू 5 सीरीज अब बेसिकली तीन स्मार्टफोन हो चुके हैं। अगर इन दोनों फ़ोन्स की बात करा जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ एक सुपर एमोलेड और LCD डिस्प्ले के साथ थोड़ी इंटरेस्टिंग सी प्राइस के साथ इन दोनों फ़ोन को लॉन्च किया गया। अगर पहली नज़र में देखा जाए तो डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रियलमी क्यू 5 थोड़ा सा मिलता जुलता है रियलमी 9 4G से, और रियलमी क्यू 5 प्रो पूरी तरह से मिलता है रियलमी GT न्यू 2 से। तो मतलब साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि ये इंडिया के फ़ोन ही रीब्रांड करके चाइना में लॉन्च किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि अब चाइना के फ़ोन इंडिया में कौन सी भाषा या फिर कौन से नाम के साथ रीब्रांड किए जाते हैं, क्योंकि इनका रोज़ का ही धंधा है इधर से उधर, उधर से इधर, और इधर से फिर कहीं और। अगर रियलमी Q5 Pro के बारे में बात की जाए तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ इनमें बड़ी बैटरी और साथ के साथ बहुत ही तगड़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये दोनों फ़ोन आते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सा फ़ोन है रियलमी Q5, क्योंकि ये सस्ता फ़ोन है और अच्छी प्राइस के साथ साथ अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ भी ये फ़ोन लॉन्च किया गया है। हालाँकि रियलमी 9 4G से अगर कंपेयर किया जाए रियलमी Q5 को, तो थोड़े सी अपग्रेड भी कहा जा सकता है या फिर थोड़े से फीचर्स ऐड भी किए गए। रियलमी 9 इंडिया में 680 के साथ लॉन्च हुआ था, जबकि रियलमी Q5 अगर चाइना की बात की जाए तो 695 के साथ लॉन्च हुआ है। मतलब थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दोनों तरफ से देखने को मिल जाए। अगर रियलमी 9 की बात की जाए जो इंडिया में लॉन्च हुआ है ऑलरेडी, इसमें कंजूसी नहीं की गई थी, लेकिन अगर रियलमी Q5 की बात की जाए जो चाइना में लॉन्च किया गया, इसमें कंजूसी की गई है। वो भी 5G के चक्कर में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस ऐसे हैं जो कि शॉर्टेड किए गए हैं, मतलब या यूँ कहा जा सके कि कस्टमाइज किए गए हैं जहाँ तक मैं बात करूँ। हालांकि इनके इंडिया लॉन्च के बारे में भी कोई प्लान नहीं है रियलमी का, लेकिन क्या पता हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में ये फ़ोन इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं किसी अदर नाम के साथ। ये तो वक्त की बात है या वक्त बताए। वक्त से याद आया, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की वजह से थोड़ा सा वक्त अपग्रेड होने की कोशिश भी हो सकती है। अगर Realme Q5 सीरीज की प्राइसिंग की बात की जाए जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है, तो Realme Q5 ये करीब 16,000 की प्राइस के साथ स्टार्ट हुआ है। मतलब अप्रॉक्स की बात करा जाए तो 16,000 प्राइस के साथ स्टार्टिंग है। 3-4 स्टोरेज ऑप्शन लॉन्च किया, मैक्स इसकी जो प्राइस जाती है वो करीब 22,000 के आसपास जाती है। अगर Realme Q5 Pro की बात की जाए तो ये करीब 21,000 की प्राइस के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी मैक्स जो प्राइस है वो करीब 26,000 के आसपास जा सकती है। दोनों में आपको भरपूर वेरियंट देखने को मिल सकती है, यानी 2-3 वेरियंट Realme Q5 में और 2-3 वेरियंट Realme Q5 Pro में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कंजूसी नहीं की गई है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको पता है आजकल ब्रांड थोड़ा सा गेम करते हैं, बेस वेरिएंट अवेलेबल नहीं होता, हाई वेरिएंट बेचते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा सिद्धांत है, और ये शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से चाइना में सेल के लिए उपलब्ध हो जाए, यानी यू कहा जा सकता है कि मई महीने से। रियलमी Q5 Pro के स्पेसिफिकेशंस को मद्देनजर रखा जाए तो 6.652 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली E4 डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, मतलब ब्राइटनेस को भी इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें एक कोर मैक्सिमम 3.19 GHz पे क्लॉक है, 3 कोर इसमें आपको 2.42 GHz पे मिलते हैं, बाकी 4 कोर इसमें जो एफिशिएंसी वाले होते हैं वो 1.8 GHz पे क्लास है। एड्रीनो 650 इसमें GPU भी इंक्लूड किया हुआ, तो मतलब आप गेमिंग वगैरह बहुत ही आसानी से तगड़ी वगैरह कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 870 एक स्टेबल प्रोसेसर है आपको बता दूँ, बाकी LPDDR5 रैम ऑप्शन है, USB 3.1 स्टोरेज है, 256 GB ऑप्शन को सपोर्ट करता है, मैक्सिमम 8 GB के साथ 256 GB का पेयर दिया हुआ है, यानी 8128 एंड 8256 GB दो स्टोरेज ऑप्शन में। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो Q5 Pro में 64MP का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 का माइक्रो है, 16 की सेल्फी है, साथ के साथ 5000mAh की बैटरी है, 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, एंड्रॉयड 12 के साथ ये बूट होता है, ब्लूटूथ 5.2 डुअल बैंड वाईफाई और 8.6mm का चौड़ा है, 195g का आसपास का फ़ोन है। मतलब डिज़ाइन वगैरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फ़ोन लग रहा है। अगर दोनों को देखा जाए ना सामने से तो सेम टू सेम ही नज़र आते हैं, लेकिन एक दूसरे फ़ोन को रीब्रांड किए गए हैं, तो मतलब इंटरेस्टिंग सा फ़ोन है। 21,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है, मतलब 20,000
21,000 की प्राइस में स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर, मानी काफ़ी तगड़ी प्राइसिंग के साथ वहाँ पे लॉन्च किया गया। इंडिया में तो हम ना ताकते रहते हैं कि हमें 20-25 हज़ार के फ़ोन में कोई अच्छा सा फ़ोन दे दो, लेकिन नहीं है, 30,000 के पार कर जाते हैं। Q5 की बात की जाए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फ़ोन है, क्योंकि इसमें 6.5 इंच की एक 120Hz LCD डिस्प्ले दी हुई है। हालांकि इसमें 500-600 निट की पीक ब्राइटनेस, मतलब पीक ब्राइटनेस वगैरह इसमें यहाँ नहीं बताई हुई है। स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर दिया हुआ है। साथ के साथ अगर बात की जाए 5000mAh की बैटरी और 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। कैमरा के डिपार्टमेंट की बात करा जाए तो 64MP के ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप यहाँ भी है। 64A2 प्लस 16 की सेल्फी, 5000mAh की बैटरी, मतलब सिमिलर दी गई है स्पेसिफिकेशन जैसे कि रियलमी 9 4G इंडिया में लॉन्च हुआ था। हालांकि इंडिया में सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले थी, यहाँ पे LCD डिस्प्ले दी हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये ग्लोबल मार्केट पे या फिर अदर कंट्रीज़ में किस नाम के साथ ये फ़ोन इंट्रोड्यूस किया जाते हैं। ओवरऑल अगर देख के लगा जाए तो प्राइसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रखी गई इन वाले फ़ोन्स की चाइना में। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया के लिए उम्मीद ना करो आप, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ये इनके भाई बंधु लॉन्च किए हुए हैं। हालांकि हो सकता है शायद रियलमी B23 को अनाउंस कर दे इसी रीब्रांड के साथ इंडिया में। ऑप्शंस तो बहुत है, वैसे आपको पता ही है रियलमी हर साल कम से कम 25-30 फ़ोन लॉन्च कर देता है इंडिया में, तो शायद हो सकता है कि इनका भी फ्यूचर हमें इंडिया में नज़र आए, देखते हैं आने वाले वक्त में। ओवरऑल आप लोग के क्या विचार है इस वाले फ़ोन को लेकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता देना। तो इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मार देना। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।